वैसे तो एक इंसान का दो गेम्स में प्रोफेशनली खेलना है, ये किस्से आपने बहुत कम सुने होंगे, पर हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के लेजेंडरी खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, जो कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे और रणजी ट्रॉफी में बंगाल टीम के लिए खेलते थे और दो बार इन्होंने रणजी ट्रॉफी का फाइनल भी खेला था। तो चुन्नी गोस्वामी ने लगभग 30 मैच भारतीय फुटबॉल टीम के लिए खेले और उस वक्त टीम में सबसे अच्छा बॉल कंट्रोल इन्हीं का माना जाता था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ 8 साल से रिटायरमेंट होने तक सिर्फ मोहन बगान के लिए खेला और कहते कि उन्हें टोटेनम हॉटस्पर से भी ऑफर आया था। अपनी कैप्टनसी में उन्होंने भारत को 1962 एशियन गेम्स में गोल्ड और 1964 के एशिया कप में सिल्वर मेडल जिताया और फुटबॉल में अपने अहम योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।